नमस्कार, NIOS के इस DLED कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। डियर लर्नर्स, आज मैं डॉक्टर जैन बालिया, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में मैं शिक्षक हूं। आज आपके सम्मुख एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो आपके पाठ्यक्रम संख्या 504 का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, बच्चों के गणितीयकरण हेतु परिवेश निर्माण, उसकी चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम आपसे इस बारे में बात करें कि एक गणितीयकरण सोच या विचारधारा क्या होती है। हम ये भी चर्चा करेंगे कि बच्चों के गणितीयकरण हेतु परिवेश निर्माण के लिए हमने क्या क्या कदम उठाने हैं। आप सभी विद्यालय में जब भी किस तरह की आपको अवसर मिलते हैं तो वहाँ पर आप कौन से कदम उठाएंगे और किस तरह से बच्चों के अंदर गणित पढ़ने के लिए बहुत रुचि पैदा करेंगे, उनकी सोच में गणितीकरण की हम बात करेंगे। इन सब चीज़ों का उल्लेख करने से पहले शिक्षकों, मैं आपसे बात करना चाहूँगा बहुत एक महत्वपूर्ण विषय, और ये है कि गणित जितना रोचक विषय है उतना आवश्यक भी। यह हम सभी को इस बारे में एहसास होना चाहिए कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हमसे गणित के बारे में होती है और ये अवधारणा अगर समझ में नहीं आती है तो यही बात बच्चों के लिए एक कठिन विषय के रूप में साबित हो जाती है। और ऐसा अक्सर होता है, आप सभी जानते हैं कि गणित के बारे में जो एक अवधारणा सामान्य रूप से है वो यही है कि एक कठिन विषय है, एक बहुत ऐसा विषय है जिसको कि बच्चों को समझने में, जिसमें बच्चों के परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। ये अवधारणा हमारी किसी ना किसी लापरवाही की वजह से ही स्थापित हुई है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है 2005, उसकी जो रूपरेखा है उसमें इस चीज़ का पूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है कि हम गणित को एक रोचक विषय के रूप में स्थापित करें। ऐसे में शिक्षकों को ये आवश्यक है कि वह कोशिश करें कि यह समझ, यह अवधारणा विकसित कर बच्चों को सरलतम तकनीकी से गणित पढ़ाई जाए। तो इस उपलक्ष्य में हम जो बात करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम गणित की प्रकृति की बात करेंगे। गणित एक विषय ही नहीं है, एक सोच है, एक विज्ञान है, विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित और यथार्थ शाखा है। ये हम सबको मालूम है, हम सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स को हम विज्ञान की एक क्रमबद्ध संगठित शाखा के रूप में लेते हैं और यह विज्ञान का एक अमूर्त रूप है, आधार है किसी भी विज्ञान का, चाहे वो जीव विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, किसी भी तरह का विज्ञान है उसका एक अमूर्त रूप जो है वो गणित होता है। गणित स्थान और संख्याओं का विज्ञान है, ये भी हम सब जानते हैं। जब हम गणित पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि गणित स्थान और संख्याओं का विज्ञान है और एक ऐसा विज्ञान है जिससे आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हमारे जीवन से संबंधित, हमारी कार्यकलापों से संबंधित जितने निष्कर्ष हैं वो गणित के माध्यम से निकाले जाते हैं। गणित गणनाओं का विज्ञान है, जितनी भी अलग अलग हम तरह की गणनाएँ करते हैं हमारे जीवन से संबंधित, उन सभी जो गणनाएँ हैं उसका जो आधार है वो हमारा गणित है, ये भी हमको मालूम है। और एक तार्किक विज्ञान है, गणित में कोई भी तथ्य बगैर तर्क के नहीं है, ये एक आगणात्मक और प्रायोगिक विज्ञान है। इसमें एक एक जो हमारा तथ्य है, जो एक इसका बिंदु है गणित का, कोई भी एक इसमें ज्ञान का बिंदु है उसके पीछे कहीं ना कोई एक प्रायोगिक आधार होता है। और यह मापन मात्रा, परिभाषा एवं दिशा का विज्ञान है। इसमें हम किसी भी न किसी चीज़ को हमारे अपने जीवन के किसी एक पहलू का एक मापन करते हैं और उससे संबंधित जितना भी उसके बातें हैं उसका हम दिशा का भी ज्ञान लेते हैं। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जैसा कि अभी हमने आपसे बात की कि मापन मात्रा और दिशा का विज्ञान है
तो ज़रूर इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। और सबसे खास बात शिक्षकों एक ये है कि गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो कोई भी हो जो गणित का अध्ययन करता है, उसके मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है। ये गणित की प्रकृति है, ये गणित एक ऐसा विज्ञान है, इसकी एक ऐसी प्रकृति है। और इस प्रकृति के कारण, जैसा मैंने अभी पहले आपसे कहा, एक अवधारणा जो है वो यही है कि हमारे अंदर गणित को एक तर्क के रूप में, एक हमारे जीवन के रूप में मान के चलना है, और इस अवधारणा को कहीं गलत ना हो जाए इसके बारे में शिक्षकों को प्रयास करने हैं। हमारी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है उसमें एक इस चीज़ का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट रूप में उल्लेखित है, वो ये कि उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा का हमारा दृष्टिकोण दो मान्यताओं पर आधारित है। और ये दो मान्यताएं आप देखिए बहुत साधारण रूप में कही गई लेकिन बहुत गहराई में कही गई हैं। वो यही कि सभी बच्चे गणित सीख सकते हैं। ये जो अवधारणा कई बार लोगों ने स्थापित की है कि कुछ ही बच्चे या कुछ ही लोग गणित सीख सकते हैं, नहीं, इस अवधारणा से हमको बाहर आना पड़ेगा। ये दृष्टिकोण हमारा नहीं होना चाहिए। दृष्टिकोण होगा सभी बच्चे गणित सीख सकते हैं और सभी बच्चों को गणित सीखना चाहिए। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि हम सभी बच्चों को सबसे अच्छे स्तर की गणितीय शिक्षा, एक बहुत ही गुणात्मक शिक्षा गणित की प्रदान करें। और उसके लिए हमको वैसे कदम उठाने पड़ेंगे, उस तरह का हमको कक्षा का एक वातावरण पैदा करना पड़ेगा। हमको यही चीज चर्चा हम इस आपके साथ आज करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं शिक्षकों स्कूली गणित के दर्शन की। क्या एक आइडियोलॉजी है, क्या फिलॉसफी है, क्या उसके गणित दर्शन का, गणित का दर्शन क्या है जो स्कूली गणित है। और ये बातें आप सभी समझते हैं, बहुत आप समय से शिक्षा के व्यवसाय में हैं, तो बच्चे गणित से भयभीत होने के बजाय उसका आनंद उठाएं, ये स्कूली गणित का दर्शन है। कि बच्चे गणित से भयभीत ना हों बल्कि उसको आनंदमयी रूप से अध्ययन करें। और इसके लिए ही हमको वो एक ऐसा परिवेश बनाना पड़ेगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, इसकी हम बात आगे करेंगे। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें, जो महत्वपूर्ण गणित है वो सीखें, जो उनका जीवन में उपयोगी गणित है वो सीखें। वो गणित में सूत्रों और यांत्रिक प्रक्रियाओं के आगे बहुत कुछ और है। गणित सिर्फ सूत्रों का और कुछ यांत्रिक प्रक्रियाओं का विषय ही नहीं है। गणित तो एक जीवन है, गणित तो एक सोच है, ये मान के शिक्षकों को कक्षा में गणित को लेके चलना पड़ेगा। बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे आपस में बात कर सकते हैं, जिससे संप्रेषण हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, ऐसा गणित को विषय मान के चलेंगे तो तभी गणितीयकरण की हम बात कर पाएंगे। इसके अगर हम और बात करें कि बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें हल करें। बच्चों के अंदर किसी भी समस्या को उठाना और उसको उसके हल तक ले जाना कि जो कौशल है, जो ऐसी एक स्पर्धा है, ऐसा उनका ज्ञान है, ये हमारे स्कूली गणित का दर्शन है। ऐसा प्रयास हमारे अध्यापकों को करना है कि बच्चों के अंदर वो सार्थकता लाएं, बच्चों के अंदर वो एक योग्यता लाएं कि वो कुछ सार्थक समस्याओं को उठाएं और उन्हें हल करें। बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने, संरचनाओं को देख पाने और चीज़ों का विवेचन करने एवं कथनों की सत्यता और असत्यता को लेकर तर्क करने में अपने आप को उचित पाएँ और अपने आप में वो एक योग्यता स्थापित करें कि वो किसी भी चीज़ का विवेचन करें। कथनों की सत्यता, क्योंकि या तो कोई कथन सत्य है या असत्य है, या फॉल्स है या ट्रू है, ये चीज़ को स्थापित करना, लेकिन तर्क के साथ। ये हमारे गणित, स्कूली गणित का दर्शन होना चाहिए। और जैसा हमारा दर्शन होगा वैसा हमारी पाठ्यक्रियाएँ भी होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं तो स्कूली गणित का दर्शन की, जो कि गणितीयकरण से संबंधित है, वो ये कि बच्चे गणित की मूल संरचनाओं को समझें। अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, ये जितनी भी हमारी गणित की शाखाएं हैं, ये सभी मूल तत्व अमूर्त की प्रणाली, संगठन और सामान्यकरण के लिए मुहैया कराते हैं। ये सब जो मुहैया कराते हैं, जो उसके लिए एक आधार बनाते हैं, वो किसी अमूर्त की प्रणाली और संगठन और सामान्यकरण के लिए, जो हमारा जीवन का अमूर्त रूप है, उसके एक सामान्यकरण के लिए बहुत ज़रूरी है। कि हम आप देखते हैं कि जीवन का कोई भी ऐसा हमारा तथ्य, हमारा कोई
जीवन का पहलू ऐसा नहीं है जिसमें गणित का प्रयोग ना हो। अध्यापक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास के आधार पर काम करें कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। ये एक विश्वास के साथ हमने गणित का और इस ऐसी सोच ऐसी विचारधारा के साथ, और ये विचारधारा जब बच्चों में स्थापित होती है अध्यापकों, इसी को हम गणितीयकरण बोलते हैं। मैथमेटाइजेशन यही है, गणितीयकरण यही है कि सोच में वो चीज़ आ जाए बच्चों के कि हमने गणित सीखनी है और हर बच्चा, प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। आइए हम आगे चर्चा करते हैं इसके दर्शन की। तो समस्या समाधान की युक्तियाँ जो हैं हमारी, चाहे वो अमूर्तता हो, परिमाणन हो, सदृश्यता हो, स्थिति विश्लेषण हो, समस्या को सरल रूप में बदलना हो, अनुमान लगाना हो या उसकी पुष्टि करना हो, ये सब चीज़ें हमारी युक्तियाँ जो हैं वो प्रयोग में लाई जानी चाहिए। ये हमारे स्कूली गणित का दर्शन होता है। ये हमारी समस्या समाधान की युक्तियाँ जितनी है, अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो हमारी टेक्निक्स हैं, उसके अंतर्गत हम लोग ये सब विधियों का प्रयोग करें और ऐसी विधियों का प्रयोग करने से बच्चों के अंदर वो योग्यता लाएं कि वो जीवन के किसी भी पहलू को उसके अमूर्तता के साथ, उसके सदृश्यता स्थिति के अनुसार, उसको समस्या को सरल रूप में बदलना या उसके अनुमान लगाना और उसकी पुष्टि करना, ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। गणित व अन्य विषयों के अध्ययन के बीच में संबंध स्थापित करने की भी आवश्यकता है। ये शिक्षकों एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि गणित को हम एक एकल सब्जेक्ट विषय के रूप में ना लें। गणित हर विषय के साथ जुड़ा हुआ है, संबंधित है, और जितना भी विषय है हमारा, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान हो, यहाँ तक कि जो भाषाएँ हैं हमारी, इंग्लिश और हिंदी, इन सभी चीज़ों में गणित का प्रयोग कहीं ना कहीं होता है। जब बच्चे ग्राफ बनाना सीखते हैं तो उन्हें भूविज्ञान यानी जो हमारी जियोलॉजी है या हमारी ज्योग्राफी है, उससे संबंधित विज्ञानों के क्रियात्मक संबंधों के बारे में सोचने में प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ तो ग्राफ बना रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो भूविज्ञान के बारे में भी चर्चा की जानी चाहिए। और ऐसा आप देखेंगे तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम हमारा 2005 की जो संरचना हुई है, जो पूरे हमारे देश में लागू है, उसमें ऐसे प्रयास किए गए हैं, समुचित प्रयास किए गए हैं कि वो जो हमारी स्थिति है, जो हमारा कंटेंट है, विषय वस्तु है, वो इस तरह से पढ़ाई जाए कि बच्चे उसमें अपने आप को जीवन के या दूसरे विषयों के साथ उसको जोड़ पाएँ। चलिए हम बात करते हैं जो वो कि गणितीकरण हेतु उपयुक्त वातावरण का सृजन कैसे किया जाए, क्या उसके तरीके क्या होते हैं, क्या उसके विधियां क्या होती हैं, हम गणितीकरण के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन कैसे करते हैं, कैसे हम वातावरण को स्थापित करते हैं, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे। सर्वप्रथम अध्यापक को, शिक्षक को बच्चों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान सिर्फ उसके नाम का नहीं, उसके माता पिता के आधार का नहीं, बल्कि ये कि बच्चे को विज्ञान और बच्चे को गणित में क्या आता है, किन किन चीज़ों की उसको आवश्यकता है, उसका परिवेश क्या है, वो अगर गांव का बच्चा है या शहर का बच्चा है, जिस भी स्थान में रहता है उसका परिवेश कैसा है, क्योंकि परिवेश के अनुसार ही आपने उसको ज्ञान देने का प्रयास करना है। आपके इस DL EDIT प्रोग्राम में, इसी 504 कोर्स में, एक जगह आपने ज़रूर कहीं ना कहीं गणित परिषद के बारे में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स क्लब के बारे में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने उन विधियों के बारे में अध्ययन किया होगा जिसमें हम बच्चों के बारे में कैसे ज्ञान अर्जित करें, बच्चों के बारे में कैसे ज्ञान लें। ये हमें सिर्फ बच्चे का नाम और उसका एज नहीं पता होना चाहिए, उसके बारे में, उसकी सोच के बारे में, उस किस तरह की विचारधारा है, किस तरह का उसके पास उसकी सहूलियतें कैसी हैं, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ ये बहुत आवश्यक है शिक्षकों की हम समुचित शिक्षण अधिगम का प्रयोग करें। जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो हमारा अप्रोप्रिएट हो, समुचित हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं अध्यापक को बच्चों के साथ बातचीत करके, बच्चों के साथ बैठ के ये देखें कि इस विषय वस्तु के लिए समुचित शिक्षण अधिगम क्या होगा, क्योंकि हर शिक्षण अधिगम विषय वस्तु के अनुसार, बच्चों के अनुसार, स्थिति के अनुसार, रिसोर्सेज के अनुसार होता है। एक ही शिक्षण अधिगम जो है वो सभी विषयों के तत्वों पर नहीं लगता है, ये अध्यापक को इसका एहसास होना चाहिए। और ये भी देखना है कि आनंददायक अधिगम का वातावरण हो, ऐसा
अधिगम हो जिसमें कि बच्चे आनंद का अनुभव करें, एक अच्छे माहौल में, अच्छे एक वातावरण में हमारी मैथमेटिक्स, हमारी गणित का अध्ययन हो सकता है। मनोरंजक विधियों का समुचित प्रयोग किया जाए, ये बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है कि जो हमारी मनोरंजक गतिविधियां हैं उनका समुचित प्रयोग किया जाए। उसको हमारे जो हमारे तथ्य हैं, हमारे जो गणित के तथ्य हैं उनसे उनको जोड़ा जाए, कहीं ना कहीं उसके साथ उनको कनेक्ट किया जाए, जो बच्चे के जीवन के जो बहुत सारे पहलू हैं उसके। क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है कि वो कक्षा तक ही सीमित नहीं है, वो कक्षा की उस एक या दो घंटे के पीरियड तक सीमित नहीं है, वो उस पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं है। क्योंकि जैसा हमने अभी पहले कहा, जीवन के हर पहलू में गणित है, बल्कि गणित जीवन है या जीवन ही गणित है, ये मान के चलना है हमको। और ऐसा ही जो वातावरण है वो हमारे विद्यालयों में, हमारी कक्षाओं में होना चाहिए। और उसमें बहुत कुछ निर्भर करेगा जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, बल्कि और भी विषयों के अध्यापक भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि बच्चों को उनकी सोच जो है वो गणितीय हो, सोच हो, और कक्षा का वातावरण जो है वो गणितमय वातावरण हो जाए। ऐसा भी हमने यहाँ पर पॉइंट में कहा आपको कि कक्षा का गणितमय वातावरण हो, उसकी हम बात करेंगे कि कैसे होगा गणितमय वातावरण। आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे कि गणितीयकरण के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन कैसे किया जाए। बहुत इसमें जो एक प्रमुख चीज़ है वो है भयमुक्त आकलन प्रविधियों का प्रयोग। जो हमारे आकलन प्रविधियां हैं, जो हमारे आकलन विधियां हैं, वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स की जो अवधारणा है कि मैथमेटिक्स एक भयानक विषय है, मैथमेटिक्स गणित एक ऐसा विषय है जिसमें अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं या बच्चे उसमें कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं ले पाते हैं, ये चीज़ का हमने एक बहुत अच्छी तरह से उन प्रावधियों का प्रयोग करना है जिस जो भयमुक्त हो बच्चे के अंदर या पेरेंट्स के अंदर भी एक भयमुक्तता का एक भाव पैदा करे, और जो छात्र और शिक्षक हैं इनके बीच में संबंध मधुर होने चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि जो शिक्षक होता है, जो गणित का शिक्षक होता है एलिमेंट्री लेवल तक, तो कहीं कोई शिक्षक का वो नहीं, कई बार स्टेट्स में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एलिमेंट्री लेवल पर जो टीचर्स होते हैं उनके बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में जो संबंध है वो मधुर होने चाहिए। और इसके लिए वैसे प्रयास करने हैं, वैसे के लिए वैसी योजनाएं बनानी है अध्यापक को। और जैसा मैंने पहले कहा, एक और अपने कहीं इसी कोर्स में 504 में किसी आपने और वीडियो में ज़रूर पढ़ा होगा गणित परिषद के बारे में, मैथमेटिक्स क्लब के बारे में, उसके अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियां हैं, उसका आयोजन किया जाना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्रियाएं लिखी हुई हैं, ऐसे रिसोर्सेज लिखे हुए हैं जिसका प्रयोग कक्षा में करना चाहिए, और जिससे बच्चों के अंदर जो सोच है वो गणितीयकरण की सोच हो जाए। कक्षा में समुचित सहायक सामग्री का भी प्रबंध होना चाहिए, जिसको हम टीचिंग एड्स बोलते हैं, समुचित हो और ऐसे जिसका प्रयोग करने से बच्चों के गणितीयकरण में आपको सहायता मिले। बच्चों को कहीं ना कहीं अपने अपने साथ सम्मिलित करना है, इस पूरे प्रयास में सम्मिलित करना है कि वो कक्षा में समुचित सहायक सामग्री का प्रबंध करें, ये बहुत आवश्यक है। और इसके लिए सभी अध्यापक अपने जो सहपाठी हैं और जो उनके सहायक लोग हैं उनके साथ बैठकर कहीं ना कहीं इस मैथमेटिक्स वाले इस पर विचार विमर्श करें और अपनी बात प्रधानाचार्य तक पहुँचाएँ, बच्चों को करें कि कौन कौन सी समुचित सामग्री, सहायक सामग्री रखी जाए कक्षा में, जिससे कि कई बार हमने देखा है कुछ कुछ विद्यालयों में ऐसे कोने बनाए गए हैं जिसका नाम उन्होंने दे दिया गणित कोना, जहां पर सिर्फ गणित की चीज़ें रखी रहती हैं बच्चों के सामने और बच्चे उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और उसका ध्यान रखते हैं, जिससे कि कक्षा में एक समुचित वातावरण पैदा हो सके। तो ये कक्षा में एक समुचित सहायक सामग्री का प्रबंध भी होना चाहिए। तो आज हमने फिर इस बारे में आपसे बात की कि किस तरह से एक भयमुक्त आकलन विधियों का प्रयोग किया जाए, छात्र शिक्षक के बीच में संबंध कैसे मधुर हो, और गणित परिषद के अंतर्गत जो गतिविधियां हैं उसका आयोजन कैसे किया जाए जिससे कि बच्चों की जो विचारधारा है, बच्चों की जो सोच है, बच्चों के जो कार्यकलाप हैं और वो उनके अंदर जो एक रुचि है वो गणित के लिए अच्छी पैदा हो, उसके बारे में उनका जो अपना एक ख्यालात हैं वो अच्छे पैदा हो, और वो एक गणितीयकरण का
वातावरण हमारे विद्यालय में हो, बच्चे मान के चलें कि हर विद्यार्थी गणित सीख सकता है और हर विद्यार्थी को गणित सीखनी चाहिए। मुझे आशा है कि आपने ये पाठ पढ़ा, और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ इसकी कुछ एक्सरसाइजेज भी कर लें, एक प्रश्न लिख लें, और वो प्रश्न है कि आप अपने जो आपका एरिया है, जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, जो आपके इस एरिया है में, उसमें गणित क्लब से संबंधित क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं। साथ में ये भी देखें कि कौन कौन सी समस्याएं भी आ सकती हैं गणित क्लब, ये अगर हमारे इसके बारे में जो हमारा गणितीकरण है उसके बारे में भी अगर हम कुछ ऐसा प्रयास करें तो क्या क्या समस्या आ सकती है, उसकी भी एक लिस्ट बनाएं और इसका समुचित अध्ययन करें। आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।